शांति सभी को और आज का ऐसा टॉपिक रखा है कि फटा पोस्टर निकला हीरो ये ऐसा ही थॉट आया क्योंकि जब मैंने मेरा जर्नी जैसा सोच रहा था कि नहीं जिस तरह से बाबा ने हमको बनाया और मैं किसी का घर गया और मैं ये ऑब्जर्व करता था कि उनके घर के दीवार में क्या पोस्टर रखते हैं क्या रखते जैसे हम यूथ होते हैं ना जब यंग है यंग एज में जब ज्ञान में आया तो एक दोस्त के घर में गया उसके वहां तो जैसे कि एकदम तो मजल वाला आदमी का बहुत बड़ा पोस्टर सब रखा हुआ था ठीक है और एक दोस्त के घर गया वहां तो बहुत सारे हीरोइन के पोस्टर रखा हुआ था ठीक है फिर समझ में आया ये पोस्टर रखने का प्रथा क्या है मतलब क्यों हम लोग पोस्टर रखते क्यों क्योंकि हम किस पर हम प्रभावित होते हैं है ना प्रभावित होने पर ही तो एक पोस्टर लगता है ना अपने यहां तो पोस्टर का जब बात निकला तो हमने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जीवन में भी हम लोग है ना अपने आप में ही अंदर ही बहुत सारे पोस्टर रखते हैं हम लोग पोस्टर माना क्या एक नथिंग बट एन इमेज एक जैसे कि एक जैसा कहो कि जिस पर हम प्रभावित हुए उसको हम छाप देते अपने दिल पर अपने अंदर जब ऐसा एक छाप हो जाए ना फिर बाद में उस स्टेज के बाद जो भी हो हमारा उस पोस्टर की और होगा तब मुझे समझ में आया कि क्यों बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो देह है ना ये तो शास्त्रों में भी लिखा है ना कहते हैं कि सर्वधर्मानी परितज मामेकम शरण व्रज मन दे के सब संबंधों को थोड़ एक मुझ बाप को याद करो माना क्या है ये अपना जो अंदर जो पोस्टर रखा है ना उसको फाड़ देना चाहिए समझो अभी सचमुच अभी हम लोग इतने बैठे हैं ना हम लोग बैठ के सोचे कि हम क्या, क्या क्या ऐसे पोस्टर्स रखे हुए हैं अंदर किसके पोस्टर रखे हैं हाँ सचमुच ऐसे मजल वाला किसी का तो नहीं है होगा ऐसे कोई हीरोइन तो नहीं होगा लेकिन अभी ध्यान हम लोग अभी समय पे ऐसा देना है कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो हमारे मन में अभी भी छपा हुआ है प्रभावित किया है कोई भी हो सकता है भाई हो बहन हो माँ हो बाप हो पोते हो दोतरे हो है ना बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स पड़े हैं हमारे अंदर अभी यही है कि जब ये पोस्टर फटेगा ना तब हीरो निकलेगा सोचना इस पर बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग जब पैदा हुए और एटलीस्ट मैं इस पर विचार सागर मंथन कर रहा था हम जब पैदा हुए मेरा एक ही साथी है ये एक ही साथी है जो मेरा ये जीवन का जो अंत टाइम तक वो मेरा साथ देने वाला है बाकी सब कुछ हमको बताया गया है हमने हमने देखा है, है लेबल्स रखे हैं। लेकिन ये एक साथी है जो पैदा होते ही मेरा साथ देना चालू के वो मेरे साथ आ गया है जैसे कि हम दोनों एक कंपेनियन बन गए है ना पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ सबको पता तो होगा ही मैं पैदा हुआ और ये मेरा साथी है बस और हम दोनों चालू हो गया अभी ये जीवन जीना चालू हो ये शरीर यही है फर्स्ट साथी अभी प्रॉब्लम ये है कि अपने को देखना है कि ये जो साथी है जो शरीर है ये क्या मेरा साथी है या मेरा दुश्मन है अभी इसके लिए अभी अपने को और अंदर जाना पड़ेगा मालूम होना पड़ेगा माना साथी माना क्या हम लोग साथी किसको कह रहे हैं साथी वो जो अपना साथ देवे ना अभी हम 1 मिनट के लिए हम स्टेप we'll बैक और हम सोचते हैं अगर ये मेरा साथी है तो उसका मतलब मेरा साथी को पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और मुझे पता होना चाहिए मेरे साथी को क्या चाहिए एक होता है तो क्या सचमुच मेरा साथी को पता है कि मुझे क्या चाहिए सोचो शरीर है क्या शरीर सचमुच चाहता है कि नहीं मुझे क्या चाहिए मैं उसका साथ दू आप लोग समझियो कि ठीक है बेन ने एक, एक प्रोग्राम दिया है कि अभी हम लोग है ना चार घंटे का योग बट्टी करेंगे चार घंटा बैठने चालू कर दिया वहां से गेम शुरू होता है ना हम लोग बैठते हैं तो अपना शरीर क्या कहता है और मैं क्या चाहता हूं चार घंटा बैठने चालू होते ही क्या शरीर कह रहा है बोलेगा नहीं मेरे से नहीं होगा मेरे को नींद आ रहा है तो नींद जीत रहा है या मैं जीत रहा हूं अरे बट्टी की बात दूर है ना मुरली में बैठ रहे चलो उतना दूर भी क्यों मुरली चालू हो गया क्या होता है क्या मेरा साथी सचमुच मेरा साथ दे रहा है नहीं ये मेरा दोस्त का इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है मेरा आंख नहीं जानी चाहिए मैं नहीं सोऊंगा मेरा दोस्त का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है मैं उसका साथ दूंगा मुरली चल रहा है मेरा पूरा अटेंशन मैं मेरा शरीर का कोई भी ऐसा फीडबैक मैं मेरे इसको नहीं देता हूं आत्मा सुन मैं बैठू ना आंख कहीं चंच चलायमान होगा ना खान चलायमान होगा ना नाक चलायमान होगा ऐसा होता है नहीं ना कभी 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 नहीं मेरे साथ बहुत मेरे साथ तो अभी तक फिर बाद में मुझे पता चला आप दूसरों की बात बातें खुद की बात कर कि नहीं ये तो कहां है ये तो मेरा पहला दुश्मन है <laughs> ये जब कहता हूं कि नहीं तेरे को ये करना ही है तो बस बोलेगा तू कुछ भी कर गोकुल मेरे को क्या चाहिए वो तेरे को देना है ये जैसे कि हम दोनों का जैसे गिव एंड टेक पॉलिसी आप लोगों को पता है टेक Where I give, he takes. हो गया। उसको नींद चाहिए तो मेरे को उसको नींद देना है उसको खाना चाहिए तो मेरे को उसको खाना चाहिए देना है ये सब कुछ मुझे उसको देना है लेकिन जब मेरा जब काम आए ना कि नहीं अब बट्टी चल रहा है ये आंख तो बंद नहीं होना है इसलिए गीत बहुत अच्छा लगा आपने ध्यान दिया जो पहला जो गीत बजा बहुत अच्छा गीत है ना कि शासन करे कि नहीं आपको ये नहीं करना है तो नहीं करना है आपको यहां नहीं जाना है तो नहीं जाना है ये फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाबा हमको देते कि बच्चे देख से मर जाओ क्यों क्योंकि है ही नहीं आपका साथी ही नहीं है और इतना कुदगर्स है ये टाइम आ जाएगा अपने को बताएगा भी नहीं बोलेगा चलो भाई अब तू निकल जा रवाना कर देगा ना एक टाइम आ जाएगा तो ये शरीर बोल देगा बस यू आर आउट अभी आप निकल जाओ यहां से इसीलिए बाबा अपने को पहला स्टेप में ले गया है कि बच्चे देही ही अभिमानी बनो ये देह भी आपका नहीं है मर जाओ इंटरेस्टिंग है ना क्यों बाबा कहते हैं कि बच्चे नहीं और फिर बाबा कहा कि अभी आप मुझे साथी बनाओ मैं कौन हूं अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंद बस बच्चा आपकी तरह मैं जानता हूं आपका ड्रामा यहां से अपना सभी का जर्नी ये एक पॉइंट से शुरू होता है कि मैं अपने आप को कितना समझ रहा हूं और कितना ये जो साथी है उस पर मैं अपना अधिकार जमा के रख रहा हूं मैं बोलू नहीं शरीर अभी आप मेरी बात मानेंगे फर्स्ट इज दिस क्लियर यहां आपको कोई क्वेश्चन है क्या क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे इसके अंदर डेप्थ में जाने वाले हैं एनी क्वेश्चन यस नो ठीक है अभी दूसरी बात हमने ये जब जर्नी हमने तय किया है हम लोग जब समझ 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 गए कि ठीक है ये जीवन जीना है तो हमारा पहला ऐसा होता है कि अपने को है ना एक टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं ये कहानी है हनी बी हनी बी और हाउस फ्लाई की इसका ट्रांसलेशन क्या होता है हाउस फ्लाई का हनी भी तो जानते हो सभी राइट हनी भी तो जानते हो ना शायद उसी से बनता है मधुमक्खी और, और मक्खी करेक्ट राइट मक्खी हाउस फ्लाई राइट ये दोनों की अच्छी कहानी है अब आप जब मधुमक्खी देखो ना कितना भी खिचड़ा का कूड़ा हो गार्बेज का जैसे कि पहाड़ हो मधुमक्खी उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा और एक भी छोटा सा फूल मिले ना उस पर जाके वो लैंड करेगा उसमें से वो सिर्फ वो जो शहद है वो लेगा और वापस अपना जर्नी चलता रहता है वो तो बस यही है ना मधुमक्खी यही करता है कितना खिचड़ा का कूड़ा पड़ा हो एकदम जैसे कि उसका लक्ष्य ये किया कि मेरे को सिर्फ फूल को देखना है फूल को अटेंशन देना है और मेरे को सिर्फ वो जो मधु है वो जो नेक्टर है वो लेना है अभी जो मक्खी है वो भी अच्छा है कितना भी फूलों का जैसा बड़ा बगीचा हो आप तो समझ गए ना मैं बोलते आप लोग स्माइल करने चालू कर फूलों का कितना वैरायटी फूल हो वो मक्खी उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उसका नजर तो कहाँ होगा खूडे पर ही होगा खिचड़े पर ही जाएगा नहीं ये खिचड़ा है इस इस तरफ मेरे को मेरा अटेंशन खिचड़े पे है समझ रहे हो ना ये मधुमक्खी मक्खी का कितना ये सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है अपने को अपना रिलेशनशिप बढ़ाने में कि मेरा अटेंशन कहां जाता है कभी भी हर वक्त यही होता है कि मेरा अटेंशन कहां है मेरा ध्यान किधर जाता है इसीलिए तो हमारा पार्ट वन किया है ना हम लोग ने पार्ट वन सभी जानते हो ना <laughs> बहुत लोग नहीं आए होंगे हम ये फटा पोस्टर निकला हीरो से पहला था पलट तेरा ध्यान किधर है ध्यान किधर है ये ध्यान की बात होती है कि क्या मैं क्या हूं मैं क्या मधुमक्खी हूं या मैं फिर मक्खी हूं क्योंकि ये दुनिया हमको पता है बाबा ने बता दिया है कि ये कलयुग है अभी हम संगम पे आए हैं ये सत्युग नहीं है ये पता है ये पता होने के बाद भी अगर मेरा ध्यान किधर जा रहा है कि नहीं ये खराब हो रहा है नहीं ये ठीक नहीं है नहीं ऐसा नहीं होता है नहीं ये चलता ये मेरे को सम्मान नहीं देता ये मेरे को प्यार नहीं देता ये मेरे से ऐसा करवाता है ये मना अभी मैं मक्खी बना हूं कि मुझे अभी भी मेरा अटेंशन कहां जा रहा है नहीं जो खूडा है जो किचड़ा है उसी पर जा रहा है अभी बाबा हमको धीरे क्या कर रहा है नहीं बच्चे अभी ये मधु ऐड कर दो मधुरता ऐड कर दो अभी इत, कितना भी कूड़ा हो कितना भी खिचड़ा हो ध्यान अभी जाएगा अपना नहीं अच्छा क्या है इसमें सचमुच आप अपने दिल पे हाथ रख के आज बताना कितने लोगों को लग रहा है कि हम सत्य की ओर जा रहे हैं हर दिन एक दिन पास हो गया सत्युग दूसरा दिन पास हो गया हम सत्युग थे तीसरा दिन हर दिन हम हमारे है सत्युग की ओर हमारा जर्नी है ये सत्युग है, है सत्युग में जा रहे इसीलिए बाबा ने अपना अटेंशन पूरा एकदम यहां रख दिया है ना कि बच्चे आप समझो ना कि ये जर्नी है और मैं हूं उसका कैप्टन आपका कुछ है ही नहीं आपको क्या चिंता आप किस सचमुच का कितने लोगों का प्लान था कि दुनिया मेरे को दुनिया बदलना है किसी का ऐसा प्लान था नहीं भाई अभी मेरा लाइफ का लक्ष्य एकदम क्लियर है मुझे तो एकदम दुनिया बदलना है मेरे को दुनिया को स्वर्ग बनाना है किसी का प्लान था अब किसी का किसी का अपना तो प्लान है ही नहीं हो अपना प्लान था डॉक्टर बनना है मेरे को इंजीनियर बनना है मेरे को एम काम करना है मेरे को लाइफ में सेटल होना है मेरे को चार घर बनना है मेरे को घर में इधर ये करना है इंडिया में थोड़ा बैंक बैलेंस रखना है यही था ना अपना गोल अपना कभी ऐसा गोल नहीं था कि नहीं ये दुनिया को मैं स्वर्ग बनाऊंगा तो अपना प्लान नहीं है प्लान तो बाप का है लेकिन वो अपने को अपना टीम में लिया है शामिल किया है बच्चे नहीं आओ ये टीम है मेरा मदद करोगे हां बाबा करेंगे और है कौन वो सर्वशक्तिमान बहुत बड़ा शक्ति का एकदम बंडार और अगर वो कह रहा है तो होगा और है मेरा प्लान तो है नहीं प्लान तो उसका है तो फिर चिंता किसका फिर एक सच्चा कैप्टन वो होता है जो अपना टीम मेंबर का देखभाल करे ना तो कैप्टन है क्या उसको पता नहीं कि हम मेरा टीम को क्या चाहिए मेरे बच्चों को क्या चाहिए सिर्फ अलाइनमेंट होनी चाहिए बस मेरा कैप्टन का विजन और मेरा विजन अलाइन हो तब प्रॉब्लम नहीं है आपने देखा कभी बहुत सारे लोग तो आप लोग जॉब में भी काम करते हो वर्कफोर्स में भी हो काम करते हो घर में भी है ना ठीक है घर में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है और बच्चे बाल बच्चे पति बीवी जो भी हो एक विजन होता है और दूसरे लोग वो विजन के साथ जुड़े हैं तो आसान हो जाता है अगर विजन के साथ जुड़े नहीं है तो प्रॉब्लम होता है आके कहते कि नहीं मेरे बच्चे मानते नहीं है क्यों आपका विजन जो है उसका साथ वो बच्चों को आपने अलाइन किया है कभी कोशिश किया है क्योंकि बच्चे आते ही पहले समझते नहीं भाई अभी तो मेरे बच्चे तो इंग्लिश ही बोलेंगे हम लोग तो इतने फटाफट इंग्लिश सिखाने में बिजी हो जाते हैं समझते नहीं है कि नहीं अभी हम कितने खुश हो जाते हैं। हमारे पोतरे दोतरे जब इंग्लिश फटाफट फर्राटे से इंग्लिश जब कहना चालू अरे मेरा पोतरा देखो कितना अच्छा इंग्लिश लेकिन हम लोग ये ध्यान नहीं रखते है कि जब हम भाषा से किसी को अलग करते हैं ना तो धीरे कल्चर से अलग होता जाएगा भाषा इज लिंक टू तो द कल्चर ये मुझे तब मालूम हुआ जब हम लोग ने डिग्री कॉलेज में था ना तभी हिंदी में एलिक्यूशन कॉम्पिटिशन होता था और अंग्रेजी में भी और इंग्लिश में जब अंग्रेजी में जब एलेक्शन कॉम्पिटिशन होता था तो हमारे टॉपिक्स ऐसे थे पानी का बचत कैसे करें फार्मर्स का खेती बाड़ी के लिए हम उनके लिए कैसे ऐसे प्रयोग करें जो हम और जब इंग्लिश में एलिक्यूशन कॉम्पिटिशन होता था तो एकदम बताते कि गे मैरिजेस के बारे में आपका क्या राय है इतना अंतर है तो एक ही कॉलेज में हम पढ़ते थे एक ही, और यहां एलक्यूशन जाए तो फार्मर्स बात होता, यहां होता है यहां गे मैरिजेस पे चले गए मानो ये सही है गलत नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि लैंग्वेज अपना जब कल्चर के साथ बहुत अटैच्ड होता है बहुत सारे मेरे हम पता है हमारे माताओं का व्यय पुरानी अपने बच्चों का नाम भी ऐसे ही अंग्रेजी में रखते हैं ये भी रख देते हैं फिर बड़ा होने के बाद वो बस वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना अलाइन नहीं कर पा रहे कि अब मेरे मेरे पेरेंट्स को क्या चाहिए वो, उनका आई डोंट देन हमारा कंप्लेन चालू होता है वो मेरे मानता नहीं है वो ऐसा करता है वो किसी को लेकर आया है वो ऐसा किया है नहीं क्यों आपने पहले अलाइन करने का कोशिश किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ यही बात आ जाती है कि बाबा का भी क्यों बाबा हर रोज मुरली अपने को सुनाते हैं कि बच्चे अलाइन हो जाओ ना मेरा विजन से मैं क्यों आया हूँ मेरा ये दुनिया में बहुत छोटा पार्ट है बच्चों बहुत कम समय के लिए मैं हूं थोड़ा सा समय हूं मैं हूं ए, मैं कुछ ऐसा ठाट बाट से नहीं आया हूँ इसीलिए आप लोग है ना मुझे नहीं पहचानते हो आता क्यों एक बूढ़ा आधा तो मैं एक बूढ़ा आदमी का तन लिया बाकी आधा तो मैं बूढ़ा बहन का शरीर में आया बूढ़ी कोई भी ठाट बात नहीं है ना ब्रह्मा बाबा में ना गुलजार दादी में इसीलिए पोस्टर फाड़ना पड़ता है हीरो को देखने के लिए वो जो बुढ़िया के वो स्टेज में बैठी है वो बैठा है कुछ बोल रही है वो जो पोस्टर है ना उसको निकालो वो गुलजार दादी के अंदर बैठा कौन है ये जो ब्रह्मा बाबा जो ऐसा बुढ़ातन में खांसते हुए आके बैठे हैं नहीं वो तो पोस्टर देख रहे हो अंदर कौन है क्या है वो शक्ति जो बैठ रहा है बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये क्या हो रहा है हमारी कुछ हो रहा नहीं है सब कुछ ठीक है जब तक वो कैप्टन है हमेशा ये एक सवाल खुद को हर रोज सभी लोग अपने आप से कहना चाहिए पूछ लेना चाहिए कि यज्ञ किसका है सुबह उठते ही ना ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं कौन हूं और ये यज्ञ किसका है मैं यज्ञ रक्षक हूं यज्ञ भगवान ने बनाया है आप लोग सभी यज्ञ का रक्षा करने वाले हो आपको बाबा ने एक सेंटर पे भेजा है आपको वहां निमित कोई बहने दिए हैं उनकी रक्षा आपका जिम्मेदारी है वो यज्ञ चलता रहे उनके विजन है बाबा का विजन के साथ मिलता है अब मेरा विजन भी एकदम मिला है ना उससे और ये यज्ञ कौन चला रहा है इंसान नहीं चला रहा है भगवान का यज्ञ है ना कितना है? 84, 85 हुआ है हुआ ना अपना यज्ञ का कोका कोला पेप्सी भी तो है वो भी तो एटी फाइव हंड्रेड हंड्रेड कितना ईयर्स हुआ है सौ साल में कोका कोला और पेप्सी जितना कंट्रीज वो कवर नहीं कर पाया है उतना सिर्फ ये एक छोटा सा यज्ञ कवर करके बता कितने राज्यों देशों में अपने भाई बहने है। है और आगे कौन बैठा ये बुजुर्ग बूढ़े दादियों बैठे हैं यज्ञ चला रहे बहने क्योंकि ये पोस्टर है ये पोस्टर में बहने हैं ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हीरो देखना है तो ये पोस्टर फाड़ के देखे ना अंदर कौन है वो क्या है वो शी बाबा शिव बाबा का शक्ति क्या है तब जाके पता चले कि नहीं चलाने वाला कौन ठीक है मैं बहुत कंफ्यूज तो नहीं कर रहा लेट्स टेक सम टाइम अभी सोचते हैं इस पर आप लोगों को कुछ प्रश्न है क्वेश्चन है अगर आप है तो पूछिए नहीं तो मैं अभी आगे चलते बैठ जाऊं मैं तो गाड़ी एकदम निकलते पूरा दिन मैं बात कर सकता हूं लेकिन आ, 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 गोकुल भाई आप है ना पहले आपका सेशन फिनिश कर दीजिए फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अच्छा ठीक है दूसरी एक तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यज्ञ हमको पता है कि अभी मैं हूं देशी अभिमानी पता है कि यज्ञ कौन चला रहा है बाबा चला रहा है तो इसमें से अपने को है ना थोड़ा क्या कहते क्वालिटीज होनी चाहिए और एक मेन क्वालिटी होता है कि आप लोग है ना कभी दिल को भारी नहीं रखना चाहिए कभी आप हेवी फील नहीं होना चाहिए क्योंकि हेवीनेस जब होगा ना तब आप में बहुत सारे अलग और एक क्या कहते हैं आपका एनर्जी लेवल जो है जब चेंज हो जाएगा तब आप यज्ञ रक्षक नहीं बन पाएंगे अभी हेवी होता क्यों है हम लोग भारी क्यों होते हैं भारी इसलिए नहीं होते हैं कि हम लोग कुछ बहुत बड़ी परिस्थिति जूझ रही हो या हम कोई बड़ी परिस्थितियों से जा रहे हैं गुजर रही जरूरत नहीं है भारीपन इसलिए होता है क्योंकि हम व्यर्थ को वक्त से ज्यादा थोड़ा ज्यादा ही देर तक हम पकड़े रखते हैं इसलिए भारीपन होता है नहीं तो इतने सारे यज्ञ के रक्षक है तो हम तो चम 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 करना चाहिए ना अभी तक तो अपने को सतयुग लेकर आ जाना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि है अभी भी हर एक बच्चों में कोई ना कोई तरह से कोई ना कोई क्या कहते हैं एक हेवीनस थोड़ा भारीपन है और ये इसलिए नहीं है कि आप लोगों की जिंदगी में ऐसी कोई बड़ी परिस्थिति चल रहा है जो आप जूझ नहीं सकते नहीं वो सब हो गया आप लोगों का ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो फिर ये भारीपन क्यों आता है क्योंकि हम कोई कोई ऐसे चीज को पकड़े रखे हैं जो बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था कोई ना कोई व्यक्त को हम जरूरत से ज्यादा पकड़ के रखे हैं समझ रहे हो ना नीराबेन सभी को प्लीज फोर्स अनम्यूट फोर्स म्यूट कीजिए नीराबेन एवरीवन इज फोर्स म्यूट ये मुझे लगता है कि मम्मा की गांव से आवाज आ रही है अच्छा ठीक है तो वापस हमारा सेशन पे तो जब हम कोई ऐसा व्यक्त को है ना जरूरत से ज्यादा हम पकड़ के रखते हैं तो भारीपन महसूस होता है जैसे कि कोई भी हो वस्तु हो है ना एक ये तो बहुत साधारण उदाहरण है कहते है कि एक आदमी ने ग्लास का एक छोटा सा ग्लास का पानी उठाकर बोला ये कितना वजन है वजन तो ज्यादा नहीं है एक छोटा सा प्याला है उसमें पानी है बस उसमें वजन क्या हो सकती है ज्यादा तो वजन नहीं हो सकता है ना वो तो है ग्लास है पानी है मैं उठा के रख रहा पकड़ पकड़ रखा हूं पकड, पकड लेकिन आप कब तक पकड़े रखेंगे ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आप ये एग्जाम्पल अच्छा है समझने के लिए अगर मैं ग्लास का पानी में एक पांच मिनट उठा के रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दस मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं एक घंटा थोड़ा प्रॉब्लम है चार घंटा बहुत प्रॉब्लम है एक दिन आपका हाथ का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा पता नहीं आपको हाथ में ऐसे कौन से प्रॉब्लम आ जाएंगे तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं जब व्यर्थ मेरे अंदर आ रहा है तो उसको तुरंत उसको सिस्टम का बाहर कर देना चाहिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये जो ब्राह्मणों का बहुत जैसे कि एक जैसे कि अंदर से एक जैसा लक्ष्य रख लेना चाहिए कि मेरे अंदर व्यर्थ ना हो जितना जल्दी ये जो व्यर्थ अंदर आ रहा है उतना जल्दी उसको सिस्टम से बाहर निकाल देना चाहिए और इसीलिए बाबा ने इसका ये जो क्या है ये अपने को एक श्रीमत दी हुई है एक सिस्टम बना हुआ है सुबह अमृत वेला ट्रैफिक कंट्रोल मुरली एटीएम कहते हैं ना हमेशा एटीएम से पैसे निकलते रहने चाहिए आपको तो एकदम जैसे कि ये एटीएम एकदम सही होना चाहिए अमृत वेला कंट्रोल मुरली ये क्या करता है कि अपने को ये जो व्यस्त है उसको अंदर रखने में वो नहीं देता है वो तुरंत फ्लश आउट कर देता है अमृत वेला आपने सुबह उठा उठते ही आपको पता है बाबा से वार्तालाप किया मेरा नया शुरुआत है है ना आपने सुबह उठा आंखें खोली पता लगा कि अच्छा मेरे को और एक दिन मिला है लीस पे उठो बाबा को थैंक यू करो बाबा के साथ बैठा आपने शक्ति बढ़ा फिर ट्रैफिक कंट्रोल है ना पहले तो पांच ट्रैफिक कंट्रोल था तब सभी लोग कह रहे कि नहीं पांच तो नहीं कर पा रहे हम लोग पांच ट्रैफिक कंट्रोल वो भी तीन तीन मिनट का क्या करें तो दादी ने कहा अच्छा है तो हम लोग ऐसे करते कि पांच ट्रैफिक कंट्रोल भी करो और साथ में हर घंटे एक एक मिनट करो स्लो डाउन नहीं किया दादी ने <laughs> क्योंकि पता है ना आपको अगर पांच ट्रैफिक कंट्रोल भारी लग रहा है उसका मतलब आपके अंदर वेस्ट थोड़ा ज्यादा ही है पांच ट्रैफिक कंट्रोल आसान से ऐसा होना चाहिए अपने से। तो उसका मतलब दादा अच्छा अगर पांच ट्रैफिक कंट्रोल आपको भारी लग रहा है तो डोस इंक्रीज करना पड़ेगा और डोज क्या है हर घंटे करो अभी आपको एक, एक ट्रैफिक कंट्रोल हर वक्त मेरे को पता लगे नहीं मैं कौन जैसे दादी का ये दो अक्षर एकदम ये दादी का मास चल रहा है ना उनका कितना अच्छा ये स्लोगन है सिर्फ दो बात कहता है कि मैं कौन मेरा कौन हो गया योग लग गया ये दो स्विच है ये दो स्विच लगाओ लग गया योग तो इतना ही है ना मैं कौन मेरा कौन यही तो है ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे ना मैं कौन मेरा कौन क्योंकि अभी तो सिचुएशंस एक हफ्ते में एक सिचुएशन आ रहा है दूसरे हफ्ते में दूसरा ऐसा नहीं है अभी तो आवर टू आवर सिचुएशंस बदल रहा है एक घंटे में ऐसा हो गया दूसरे घंटे दूसरा न्यूज मिल रहा है तीसरे घंटे तीसरा न्यूज मिल रहा है चौथा घंटा चौथा न्यूज मिल रहा है पता भी नहीं है कि क्या न्यूज मिल रहा है तो इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल में ध्यान देना नहीं कौन मैं कौन हूं और मेरा कौन है और तीसरा आपको ये एक जैसे कि एक आदत डाल लेनी चाहिए कि पहले जब आप सुबह सुबह मुरली पढ़ो क्लास में सुनो मुरली और जब क्लास में आप मुरली सुनते हो ना तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स अंदर रख लेनी चाहिए जैसे वक्कर कहते हैं ना जो आप उसको उस पर मनन-चिंतन करने की आपको जैसे कि कुछ वक्कर मिले कोई चीज मिले जो आप उस पर ध्यान हर जबी भी आपका डिफेक्ट डिफॉल्ट सेटिंग हो जानी चाहिए आपके अंदर जब भी टाइम मिले ना तो बुद्धि वहां जाने की प्रैक्टिस डालो अभी यहां बैठे बैठे एक सेकंड में आप अपने आप को चेक करो कि जब मेरे को कुछ सोचने के लिए नहीं है तो मेरा बुद्धि कहाँ जाता है सोचो क्या एकदम बुद्धि एकदम ये नहीं है तो क्या मेरा पढ़ाई पर जाता है या फिर मेरे बच्चों के ऊपर ऑटोमेटिक नहीं वो लोग कैसे होंगे या मेरे पोतरे पर चले जाते हैं या फिर मेरा बिजनेस या मेरा शेयर मार्केट या मेरा आप जब डिफॉल्ट आपका सेटिंग क्या है एकदम आपको दो सेकंड टाइम मिला तो बुद्धि कहां जा रहा है ये आपको अपने खुद को जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि मेरा आगे का टाइम कैसा जा रहा है क्योंकि हमको पता है जैसा जैसा उम्र बढ़ता जा रहा है आपका ये जो दोस्त है वो धीरे धीरे दुश्मन हो जाएगा ये जो शरीर है वो नहीं मानेगा फिर ये फिर शरीर फिर क्या करेगा वो अपने को इजी रास्ता चाहिए उसको उसको कोई डिफिकल्ट चीज नहीं चाहिए है ना जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो मैं सीढ़िया नहीं चढ़ पाता हूं मैं वजन चीज नहीं उठा पाता हूं मैं क्यों क्योंकि शरीर बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा ही फिर आत्मा क्या करेगा? अपना डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा ये डिफॉल्ट सेटिंग है क्या जो अपने संस्कार बने हुए हैं, वो डिफॉल्ट सेटिंग होता है अगर आप लोगों को ध्यान हो कि हम लोग जब पहला सेशन हमने किया पलट तेरा ध्यान किधर है हमने कहा एक बात पता नहीं हम लोग ने डिस्कस किया उसको डिटेल पे एक अच्छा सा एक अंग्रेजी का एक स्लोगन है कहते हैं कि वॉट कम्स आउट ऑफ यू इज वॉट इज इनसाइड यू सिंपल जब आपको स्क्वीज करते हो ना जब कोई आपको दबा रहे हो एकदम क्या निकलता है जो आपका अंदर है वही तो निकलेगा ये अच्छी तरह से आपको यह है ना अंदर फिट कर लो आप जब मुझे कोई दबा रहा है तो मेरे अंदर से क्या निकलेगा वही निकलेगा जो मेरे अंदर है एंड ऑफ स्टोरी अब समझो कि क्या है दबाना मना क्या है मना आप परिस्थिति परिवार जो कुछ भी हो सकता है वातावरण जब वातावरण आपके अनुकूल ना हो जब आपके परिवार आपके साथ सहमत ना हो जब परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो तो आपके अंदर से क्या निकल रहा है सोचने वाली बात है ना मेरा बेटा ऐसा कुछ कह दिया मेरा बेटी ऐसा कुछ कह दिया सडनली वातावरण में कुछ गड़बड़ हो गई ठंडी के बदले गर्मी गर्मी के बदले ठंडी ये सब है जैसे कि अपने को स्क्वीज करना तब अंदर से क्या आ रहा है क्या तभी मैं शांत हूं ठीक है चलेगा कोई बात नहीं या फिर अपने से ये गुस्सा तो समझना है कि नहीं अंदर ये पड़ा है और जैसे जैसे मैं बुजुर्ग जैसे जैसे मेरी उम्र डलती जाएगी तो ये मेरा डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगा तो यही निकलना चालू होगा ये अपने को प्रॉब्लम में डाल देगा इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे नहीं संस्कारों पे ध्यान दो अपने को खुद पे काम करना है इस पर चेंज करना है क्योंकि जब हमें कोई भी परिस्थिति कभी भी अपने को नहीं छोड़ सकती है जैसे प्रकाश मणि दादी का अंतिम समय में भी देखा है ना जब दादी को तो हमको पता है कि उनको तो जैसे आल जैसा हो गया होश नहीं था तो उनको लेकर आते थे स्टेज पे दादी कुछ बोलो बोलो फोर्स करते दादी कुछ बोलो तो जब दादी को होश आ जाए तो दादी का पहले मुख से यही आता है बाबा फिर दूसरा यही कि सभी ठीक है आप लोग सब खाना खाए आप लोग सब अच्छी तरह से हो क्योंकि यही बड़ा है ना अंदर कि सबका देखभाल करना है सभी को खुश रखना है सभी को अच्छा रखना है तो अच्छा लगता था दादी को देखने, मना वो अपने जीवन में जैसे कि उतार लिया है बाबा मधुबन यज्ञ और अपने पास भी ज्यादा टाइम नहीं है अभी जो टाइम है अपने को चेक कर लेना है कि नहीं क्या है मेरे अंदर से क्या निकल रहा है मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर एकदम बहुत मीठा से गोकुल भाई तो जैसे नहीं क्योंकि मेरा जो जर्नी है ये बता रहा हूं मैं मैं खुद पर भी कभी देखता हूं कि कभी कभी पता नहीं ऐसा एकदम कुछ निकल जाता है कुछ बोल देता हूं तो सोचता हूँ नहीं गोकुल ये संभालो रमणीक रहो खुश रहो लाइफ को जितना इजी है इतना इजी रखे तब अपने को पता चले कि नहीं तब हम भगवान का कुछ काम हो इसीलिए मैंने वो पहला जो एग्जाम्पल जो है वो दिया कि मधुमक्खी और मक्खी का इतना अपने को ट्रेन करके अपने संस्कारों पे काम कर लेना है कि कितना भी नेगेटिव चीज चल रहा हो अपने को तो सिर्फ देखना ही पॉजिटिव क्योंकि ये कीचड़ की है ये कूड़ा है ये निकालने का काम बाबा कर रहा है ना जब वो कर रहा है तो अपने को क्या चिंता अपना ध्यान इतना भी कीचड़ हो उसमें एक भी फूल हो तो नजर सिर्फ फूल पर जानी चाहिए ये अपना प्रैक्टिस एकदम जैसे कि जमा के रख लेना चाहिए इसीलिए अपने को अभी रहना है कैसा यज्ञ स्नेही यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक ये है आप लोग हमेशा समझो कि नहीं मैं यज्ञ स्नेही हूं मैं यज्ञ का रक्षक हूं क्योंकि ये जो प्रथा है ये दुनिया से और कम होते जा रहे हैं ना कि ये जो है आत्म अभिमानी स्थिति ये पूरा दुनिया में आप छान कर देख लो कि कितने लोग हैं कहाँ है जो ऐसे अपने को सिखाने वाले हैं ये देह नहीं देही है हम आत्मा है ज्योतिर्बिंदु है एक ही यज्ञ है कितना होगा यज्ञ जो कह रहे कि नहीं वहां से हम लोग ये प्रोग्राम करें हम लोग वहां से डोनेशन करें हम लोग नहीं हम लोग कहते कि नहीं ये बच्चे देंगे हमारे बच्चों से ये यज्ञ का संभाल होगा हमारा एक एक बाबा ने इसीलिए अपने को बाबा का बनाया नहीं बच्चे तुम लोग हमारा ही जाना चाहिए यज्ञ में ये बहुत जैसे कि हमको समझना चाहिए कि क्या है मेरा मेरा रोल क्या है क्योंकि अब ये मैं कैसे कैसे कहूं परिस्थिति तो आएंगे ये तो आप सब जानते हो और परिस्थिति पे जीत होनी है हार होनी है ये आपके हाथ में नहीं है आपके हाथ में सिर्फ एक ही बात है कि मैं जब भी भी गुरु मैं क्या उठ के खड़े हो पा रहा हूं बस यही है आपके हाथ में मैं किसी का एक uh, वीडियो देख रहा था कोई पता नहीं कोई एक अच्छा एक संन्यासी का था शायद अच्छा कहा वो वो एक एग्जाम्पल दे रहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे कि एक एक खिलौना है वो खिलौना है ना जैसे कि एक आ, रबर का एक छोटा सा खिलौना है जो फुल फुलाकर और नीचे बेस जो है वो उसमें माना वो इसमें हवा भरा हुआ है और लेकिन उसका पेंडा पेंडा माना बेस है ना वो भारी है, ये जो हवा भरा हुआ एक खिलौना है और उसका बेस एकदम भारी हेवी है राइट और उस खिलौना के नाक पे लिखा है ध्यान देना इस पे नाक पे लिखा है ठीक है ना तो बच्चे क्या करते हैं उसको मारते हैं खिलौना को मारते हैं, कितना भी मारो खिलौना क्या क्या करता है वो ऐसा बैंडो के वापस आके खड़ा होता है गिरता है वापस आके खड़ा यही है हम ये संगम युग पूरा बस अपने को समझना है कि मैं वो खिलौना हूं और आपको नाक में लिख के रखी लो हिट मी माया को बताए दो नहीं मारो आप हमको वो बनना है जैसे नाक में हम लिखी दे कि हिट मी वो हर बार कड़ा होता है लेकिन पलट के वार नहीं करता है वो खिलौना पलट के वार कभी नहीं करता है लेकिन जितना भी आप मार खाएंगे आप तो उठ खड़े होते रहेंगे कितना भी लोग आपको टेम्प्ट करे कि आपसे एक रिएक्शन के लिए आप गुस्सा हो आप में क्रोध आए आप में नहीं मैं क्रोध नहीं करूंगा लेकिन आप मेरे को कितने भी नीचे उतारो मैं तो कड़ा हूं क्योंकि वो जीतता कभी नहीं है वो खिलौना कभी जीतता नहीं है लेकिन बार बार कड़ा होता है जब तक वो मारने वाला थक कर वो चला ना जाए ना वो कड़ा होते रहता है क्योंकि अंदर क्या बरा है वो जो हवा बरा हुआ है और उसका बेस एकदम भारी है ये दो इंपॉर्टेंट चीज है वो खिलौने में ऐसा ही आप में है ना ये जो इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए मेरे आप, के अंदर एकदम मुरली से है ना जैसे कि हवा बड़ा पड़ा होना चाहिए आपको इसीलिए बाबा कहते हैं नशे की पॉइंट है मेरे बच्चे आप ये हो बच्चे आप वो हो बच्चे आप ऐसे आत्मा हो आप ये क्या है ये आपने हवा है ये खिलौने आप जो है ना ये खिलौने के अंदर ये हवा हर रोज मुरली से बरा पटा लेना इतने सारे ज्ञान का पॉइंट होने चाहिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं मैं विघ्न विनाशक हूं मैं दुनिया को परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं सबको दुआओं का दान देने वाले अति श्रेष्ठ आत्मा हूं ये क्या है ये हवा है ये खिलौने के अंदर यह हवा एकदम भरपूर और दूसरा अपना जो पेंडा है जो बेस है जो फाउंडेशन है ना ये भारी रखना चाहिए फाउंडेशन आत्माभिमानी और परमात्मा का शक्ति ये आपका बेस है एकदम आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं मेरा क्या है बेस मैं आत्माभिमानी स्थिति में पता है और मेरा साथ है कौन जब ये दो स्थिति को आपको मालूम होना तो फिर आप वो खिलौना एकदम तैयार है लेकिन एक बात आपको ध्यान जीतने की ख्वाहिश नहीं रखो आप नहीं ये इनको इनको बदल देना है मेरे को इसको बदलना है मेरे परिवारों को बदल देना है नहीं ये ख्वाहिश ही छोड़ दो आप मेरे को जीतना है ये जो ख्वाहिश जो है ना ये आपको अंदर से ये संगम युग का जीने की सुख निकाल देता है आपको ये हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं मैं एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट expect करते हो ना फंस गए हो आप आप एक्सपेक्ट कर ये मेरे को ये करेगा ये मेरे को ऐसा करेगा मैं बोल रहा हूं ना मैं ये करेगा कोई कोई बोलते गोकुल भाई मेरे परिवार वालों को आप बताओ को मेरे बच्चों को आप ज्ञान सुनाओ नहीं क्यों आप कह रहे हो क्योंकि आपको ख्वाहिश है आपके अंदर कोई इच्छा है कि नहीं ये भाई कुछ बोलेगा उसको ऑटोमेटिक ज्ञान उदय हो, हो जाएगा और वो ज्ञान में चलने चालू हो जाए ऐसा कुछ होता नहीं है इसीलिए पहले आप लिख के रख लो कि मेरे को जीतने की कोई ख्वाहिश नहीं है वो बाबा और ड्रामा पर छोड़ देना है आपको ये निश्चय की बात है हम मार खाते रहेंगे लेकिन बेमान नहीं बनेंगे हम लोग ये सच्चाई है मेरा बाबा है मैं बस आप मार खा मैं मार खाते रहू खड़े होते रहेंगे बागेंगे नहीं छोड़ के बागेंगे भी नहीं बाबा को छोड़ के दुनिया को छोड़ के नहीं खड़े होते रहेंगे और चैलेंज करते रहेंगे लिखा हुआ है अच्छी तरह से नाक में हिट में मारते बैठो हम खड़े होते रहेंगे खड़े होते रहेंगे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मुझे नहीं मेरा परिवार बदल जाएंगे ये बदलने और कब तक नहीं ये आप छोड़ दो ना अब कब तक बदलना है कब तक चेंज होना है अच्छा अभी टाइम देख रहा हूं मैं 9:20 हो गया है तो क्या यहां मैं रोकू नहीं चलो चलो चले दो <laughs> गोकुल भाई चलने दो क्योंकि उनको फिर अभी क्वेश्चंस भी होगा आप है ना गोकुल भाई आप है ना 10 मिनट और चलाओ फिर हम क्वेश्चन uh, आंसर करेंगे फिर आप मेडिटेशन कराना ठीक है ठीक है? है क्योंकि जरूर तो मेन थिंग को ये है कि हम लोग माइंडफुलनेस की बात करते हैं अटेंशन रखो बी माइंडफुल लेकिन ये अटेंटिवनेस कहां होता है ये तो प्रेजेंट में ही होता है ना जब आप जहां आप प्रेजेंट हो वहां ही आप अटेंशन दे सकते हो अगर पास्ट में आप अटेंशन दिया तो आप गए काम से क्योंकि आपको समझना है ये जो पास्ट जो है ये तो एक फिलर है पास्ट क्या एक फिलर है फिलर माना अभी एक फिल्म चल रहा है ये एक स्टोरी चल रहा है और दूसरा स्टोरी बन रहा है अभी उस दोनों को जोड़ने के लिए बीच में डायरेक्टर एक म्यूजिक डांस कुछ रख देगा उसका कुछ यूज है नहीं फिलर है ऐसा ही हम जब समझे ना कि ये जो हम लोग जो अटेंटिव रहते हैं फोकस रखते हैं तो मेन थिंग है कि अपने आप अटेंशन सिर्फ जो प्रेजेंट है उसी पे रख सकते हो आप तो ये जो मैं प्रेजेंट में मैं जब अटेंशन रख रहा हूं तो ये मेरा प्रेजेंट किस पे अटेंशन में रख रहा हूं कौन सा ऐसी खींच पट्टी में रख रहा हूं या फिर मैं ऐसी कोई सत्य की ओर रख रहा हूं क्योंकि ये एक कहावत है इफ यू डोंट हैव नथिंग विथ यू इन द प्रेजेंट टू एंगेज देन द पास्ट विल कम एंड फिल इन अगर इस वक्त आपके अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे आप एकदम एंगेज करके रख सके तो फिर आपका भूत पास्ट वो भर देगा अंदर। हमेशा आपको प्रेजेंट में एंगेज रखने के लिए बहुत कुछ होनी चाहिए जैसे कि आपको मुरली पे पढ़ाई करना योग करना कुछ सेवा पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखने में आपको नोट्स बनाने में एंगेज करके रखो ये टाइम पे हर वक्त आप उस पर बिजी हो जाओ जब ये लॉकडाउन सब खुल जाएगा आप पूछो बहनों से पूछो अगर सेंटर नजदीक है तो ये सेंटर आपके लिए जैसे कि सेफ्टी का साधन है कॉल करके पूछो कि बहने मेरे को सेवा में आना है आप मेरे को एंगेज कराओ मेरे को ये मैं देता हूं। मेरे ये मैं देता मेरा टाइम है प्लीज मुझे एंगेज करो मेरे को हर वक्त मेरे को अपने को कुछ रखने के लिए कुछ भी सेवा ना जाओ झाड़ू पोछा करो साफ सुथराई करो बाबा का रूम क्लीन करो बैठो योग करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर खुद को एंगेज नहीं कर पाएंगे तो आपका पास्ट जो है वो आपको एंगेज करके बिठाए ही देगा ऐसा क्यों हुआ ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता ये नहीं होता तो अच्छा होता ऐसा नहीं, तो अच्छा नहीं होता तो अच्छा होता मुझे ये करना चाहिए था मुझे वो करना चाहिए था ये ऐसा क्यों नहीं हुआ ये फिलर है क्योंकि आपका प्रेजेंट है वो हर, हर वक्त आपका ये जो प्रेजेंट है वर्तमान ये आके खड़ा होता है आपके आगे और बोलता है मैं तैयार हूं बोलो मुझे एंगेज करना क्या करना है मेरे से जब उसको कुछ आप एंगेज नहीं करते हो जब उसको यूज नहीं करते हो तो तुरंत पास्ट बोलता है चलो मैं आ जाता हूं उसमें क्या बड़ी बात है आप समझ रहे हो ना ये अगर आपका ये जो वर्तमान हर वक्त आपके सामने आके खड़े होता है और बोलता है कि चलो मैं गया अभी यूज करो मुझे अगर आप उसको यूज करना नहीं जानते हो तो आपका पास्ट जरूर आ जाएगा क्यों और आपका पास्ट आना बुरी बात नहीं है लेकिन क्या अपने पास्ट इतना मीठा और इतना मृदुल और इतना प्यारा है जो मैं मेरे पास्ट को बैठ के मैं बैठ खुश हो सकूं है नहीं ना क्योंकि कलयुग चल रहा है क्योंकि जब मैं अपने आप को इस प्रेजेंट में मैं बैठता हूं ना तो क्या होता है जैसे कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है ये प्रेजेंट है।, है और आपको बहुत तोड़ा वक्त है है सेकंड्स की बात है, जो आपके हाथ में है जो इसमें कुछ बर सके आप वैक्यूम बना बरो तुरंत वैक्यूम बना बरो तुरंत अगर आप नहीं भरा तो क्या होता है वो वैक्यूम के आजू बाजू जो पास्ट है वो आप जाके बैठ जाएगा अंदर और अपना पास्ट में है क्या इसने ऐसा किया उसने वैसा किया वो ये ठीक नहीं हुआ वो ठीक नहीं हुआ ये ऐसा करती है वो ऐसा करती है ये ठीक नहीं था वो ठीक नहीं था यही है ना पास्ट अपना तो ये जाके बर जाता है तो प्रॉब्लम है फिर वहां से क्या है इसीलिए अपना मेडिटेशन कोर्स में कहते हैं ना हमारा जो थाट्स है पॉजिटिव से लेकर डिवाइन से लेकर नीचे उतरते उतरते डेविलिश तक हो, होता है इसमें आपको फर्स्ट कहते हैं कि मेडिटेशन से पहले आपको कहता है कि आपको है ना ये किसी में आपको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है ना पॉजिटिव पे अटेंशन दो ना डिवाइन पे अटेंशन दो ना नेगेटिव पे अटेंशन दो ना पे अटेंशन दो आपको अटेंशन देना है वेस्ट पर क्योंकि ये वेस्ट ही है जो नेगेटिव में ले जाता है ये नेगेटिव ही है जो डेवलिश में ले जाता है समझे आपने वेस्ट माना क्या है वेस्ट माना आज का जो चीज है जो मैंने डिस्कार्ड किया हो जो मैंने निकाल दिया हो वो वेस्ट है ना जैसे हम बहुत सारे माताएं देख रहे आप लोग किचन में आप सब्जी काटते हो रोज साफ सुथरा करते हो किचन में जो भी है वो क्या है वेस्ट है वो आप वेस्ट बिन में डालते हो और वो वेस्ट बिन जो है उस दिन शाम को आपको क्या करना है घर से बाहर एकदम निकाल देना चाहिए उसका रवाना कर देना चाहिए वेस्ट है अभी ये घर पे नहीं रहना चाहिए आप ऐसे करते हो ना अगर नहीं कर रहे हो तो चालू करना चाहिए आप लोगों को सभी को है ना घर में जो भी सब्जी ये जो भी वेस्ट बना है जो आप वेस्ट बिन में रखा है और उसके बाद उस तुरंत निकाल के बाहर का डब्बे में डाल देना चाहिए अंदर नहीं रखने चाहिए क्योंकि अगर वो वेस्ट अंदर एक दिन रहा दो दिन रहा तीन दिन रहा चार दिन रहा हफ्ता रहा दो हफ्ता रहा एक महीना रहा एक साल रहा तो अभी वो वेस्ट नहीं है वो उसको फिर वेस्ट नहीं कहेंगे हम लोग उसको क्या कहेंगे टॉक्सिक कहेंगे टॉक्सिक माने जानते हो ना वो फिर जानलेवा हो गया वो वो पूरा वातावरण खराब करके रख देगा ना तो हमारा पहला में हम जब करते यही कहते कि नहीं वेस्ट पे ध्यान वो होने से पहले उसको निकाल देना चाहिए तो इसी बात में हम लोग जब अटेंशन दे रहे क्यों अटेंशन दे रहे क्योंकि हमको पता है कि मेरा जो ध्यान है ये जो पास्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए पास्ट गया अगर मेरा मन पास्ट में या भविष्य में भूत या भविष्य में अगर जा रहा है एक बार ठीक है दो बार ठीक है अगर तीसरा बार चौथा बार और जैसे लग रहा है आप वहां ही फंसे हो तो समझना कि अभी वो वेस्ट नहीं है अभी टॉक्सिक हो रहा है कभी कभी हम आते हैं ना हम खुद को चेक करना चाहिए हम जब बहनों से बैठते हैं बात करते हैं आज एक कंप्लेन किया देखो मेरा परिवार वाले सुनते हैं ठीक है कल भी आप क्या वही कंप्लेन कर रहे हो परसों भी वही करने वाले हो तिरसों हर दिन क्या यही कंप्लेन आप कर रहे हो तो आप समझ जाना कि नहीं प्रॉब्लम क्या है ये वेस्ट से टॉक्सिक हो गया है तो इसीलिए आपको वापस आपका ध्यान अंदर ले आना चाहिए कि नहीं अभी मुझे करना क्या है कि ये जो प्रेजेंट जो मिला है वर्तमान जो मिला है उसमें मैं क्या भर रहा हूं तब आपको पुरुषार्थ करके आपका खुद अटेंशन देकर उसमें कुछ भरने का कोशिश करो इसके लिए सेवा मदद करती है आप सेवा कर रहे हैं ना इसीलिए नहीं फिर सेवा के बारे में सोचो मुरली के बारे में सोचो मंथन करो इसीलिए कहा कि हर दिन आपको मुरली से ऐसा कोई ना कोई पॉइंट आपके अंदर फिट हो जानी चाहिए जो आप हमेशा डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कुछ टाइम मिला तो वापस आज का कौन सा पॉइंट था जो बाबा ने कहा जिस पर मैं सोचना चाहिए अच्छा बहुत हो गया है मेरे को कोई पिंक कर रहे है, okay. तो हमेशा ये अपना जैसे कि आदत डालनी चाहिए आपको ऐसे एक दो तीन पॉइंट्स मुरली से रख लेना चाहिए जो आपका डिफॉल्ट जब भी टाइम मिले उस पर आज बाबा ने ऐसा क्या कहा बाबा ने कहा आज की चलो श्रीमत पर चलो बाबा ने कहा मेरे को ऐसा बनना है इस पर ध्यान देते रहना चाहिए आपको तब क्या होता है जैसे कि एक प्रैक्टिस बन जाता है क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बच्चे शिव बाबा की बातों के सिवाय और कोई बातों में आपकी बुद्धि नहीं जानी चाहिए है ना? आज की मुरली में ये तो कहा क्यों कहा बाबा ने मेरी बातों में आप बुद्धि जानी चाहिए और कोई बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए क्योंकि उसको पता है बच्चे आपको एंगेज करने के लिए मैं हूं तो यह होता है अपने एक संस्कारों को धीरे धीरे अपने एक जैसे कि मोल्ड कर रहे हम फिर जाके लगेगा नहीं क्या क्या ऐसे पोस्टर्स डाले हैं जिसको मुझे फाड़ना है बहुत सारे पोस्टर्स फिर ऑटोमेटिक फट जाए ये इसका पोस्टर रखा है मेरा पति का पोस्टर रखा है अभी दीवार पर, पर थोड़ी रखेंगे ये अंदर का पोस्टर है ना मैं हर वक्त किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं मेरा पति मानता नहीं है मेरा पति ऐसा करता है मेरे बच्चे मानते नहीं है मेरे बच्चे ऐसे है ये आपका पोस्टर है ये पोस्टर अपने अंदर रखा हुआ है अब आज है ना ये सेशन के बाद आप बैठ के सोचना कि ऐसे कौन से कौन से ऐसे पोस्टर पड़े हैं। अगर हम ट्रेंड भी देखा जाए ना ये अपना संस्कार है अभी अपने को लग रहा है कि ये जो मेरा पति है ये जो मेरा बच्चा है यही दुनिया है मेरे लिए यही है मेरा प्रॉब्लम का जड़ है ये या यही मेरा प्यार का जड़ है यही मेरा ये से बड़ा धोखा और कुछ नहीं है सच कहता हूं आपको क्या लग रहा है कि आपका ये जो पति है आपका पत्नी है आपको जो बच्चे है, ये पहली बार मिला है। नहीं ना, पिछले जन्म में भी आपको एक पति या पत्नी था आपको एक बच्चे थे अभी कहा है वो लोग है वो लोग कोई आप जितना अटेंशन आप दे रहे हो ना उतना ही अटेंशन वो टाइम भी दिया था पिछले जन्म में अभी तो याद भी नहीं अगर वो लोग आपके सामने आए भी तो भी आप उनको देखेंगे भी नहीं तभी भी आप समझे कि नहीं अभी इस जन्म का पति पत्नी बच्चे इन पर ही मेरा ध्यान दे तो वो टाइम का पति पत्नी बच्चे उनका क्या फिर अभी उससे पहले जन्म में भी थे ये लोग सब वो लोग है कहा अभी उससे जन्म पहले भी है, है कहा तो ये जैसे अपने को एक जैसे कि चमक आनी चाहिए अंदर अरे अच्छा ऐसा है तो उसका मतलब एक जन्म के बाद मैं जब दूसरा जन्म में जाऊंगा तो ये जो मैं पकड़ के रखा हूं ना मेरे पति मेरे बच्चे मेरे इसका कोई वैल्यू नहीं होगा जीरो वैल्यू होगा ये सब कुछ जैसे कि जीरो पे चला जाएगा तो है सत्य कौन जिसको मैं पकड़ा रखू कौन सा ऐसा पोस्टर है जो मैं पकड़ा रखू इसीलिए ये सब पोस्टर्स पट जानी चाहिए मेरा बच्चा मेरा पति मेरा तो उसका मतलब क्या आप है ना ये जब समझते हो ना डिटैच कर लो उसका मतलब ये नहीं कि उन पर घृणा करो ठीक है ना ये बहुत ध्यान देने वाली बात है आप जब कहते हैं ना बाबा बच्चे उनको डिटैच करो क्योंकि पता है कि आप है ना बाबा ऊपर से देख रहा है ना ये जन्म में ओ हो हो क्या पकड़ रखे हो पति पत्नी बच्चे संबंधी और उससे पहले जन्म का मैं देख रहा हूँ ऐसे पकड़े थे और किसी लोगों को और उससे पहले जन्म में और कोई लोगों को मेरा बोल के पकड़ के रखो हर एक जन्म में अपना ही एक कुछ बना के रखे और उसको ऐसा पकड़ के रखे हो, जकड़ के रखे हो। जैसे कि वो दुनिया है फिर वो जन्म हो गया जैसे कि उनसे कुछ लेना देना नहीं नया जन्म ले लिया नया परिवार अभी उनको जकड़ के रखो अभी तीसरा जन्म लिया ये इनको जकड़ के रखो तो बाबा को ऊपर से देखता है तो वंडर लगता है बच्चे क्यों ये, ये लोग तो कोई साथ देने वाले नहीं प्यार निभाओ खुश रहो सबके साथ नाचो गाओ उनको मदद करो लेकिन अंदर एक ही होना चाहिए एक बाबा दूसरा ना कोई ये फिट हो जाना चाहिए अंदर ये निशाने है ना क्या कि आपको लगे कि नहीं ये है ये सत्य है बाकी हर एक जन्म में मैं ड्रामा अंदर जाता हूँ बाहर आता हूं जाता हूँ बाहर आता हूँ कुछ पकड़ लोग भी जकड़ के रखा फिर उनको छोड़ दिया फिर दूसरों को पकड़ के रखा उनको छोड़ छोड़ दिया तीसरा पकड़ के रखा ठीक है ओम शांति गोकुल भाई आ... बहन का क्वेश्चन है कि जब हम ज्ञान की बातें करते हैं या यू you नो know, क्योंकि ये ज्ञान हम सब लेकिन अभी मेरी नीस जो है वो अभी दसवीं कक्षा में पहुंची है उसने अपने आप कहा है कि नहीं मैं तो अभी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा मैं अभी प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी क्यों क्योंकि शी गॉट इंस्पायर्ड और अभी वो बोल रही कि नहीं मेरे को भी मालूम होना है ब्रह्म कुमारी कॉल करके पूछते नहीं मेरे को ये मालूम होना ये ब्रह्म कुमारी है क्या ये सेवा भी चालू होना है ना इतने सारे दर्पण हैं आप लोग आप लोग है ना पेंटर नहीं हो आप लोग फोटोग्राफर्स हो पेंटर और फोटोग्राफर में डिफरेंस जानते हो ना पेंटर्स होते हैं जो हर कोई बदसूरत चीज को भी थोड़ा सुंदर करके बता देते हैं ओ पेंटिंग जॉब आप नहीं आप फोटोग्राफर हो मैं ये आपका फोटो ये है भाई आप उसके लिए क्या करो एकदम क्लीन मिरर बनते हो आप क्योंकि बाहर के लोग जब अपना रिफ्लेक्शन आप पे देखे ना तो उनको खुद मालूम होवे नहीं मेरे में चेंज लाना है मेरे में परिवर्तन लाना है इसके लिए आपको कहना कुछ नहीं है बोलना कुछ नहीं है वो लोग ऐसे बोले भी नहीं आपके फ्रेंड्स को आप ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि आप बहुत सेल्फिश हो अगर उनको ऐसा बोल रहा है तो उनके पास जाओ बैठो उनके बातें करो उनको क्या करना है फिर समझ जाएंगे धीरे क्योंकि आत्मा का निजी गुण है ही ये सात चीज पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान और शक्ति जानेंगे वो लोग आपकी पवित्रता वो टच होगा आपका शांति वो टच होगा ट्राई करके देखो आप अच्छा और कोई ओके किसी ने कहा ओम शांति बाई हाउ कैन वी मेक दम अंडरस्टैंड अबाउट दिस नॉलेज अभी जरूरत ही नहीं है यू नीड इन मेक एनी वन अंडरस्टैंड अबाउट दिस नॉलेज ज्ञान दूसरों को समझाने की जरूरत ही नहीं है अभी टाइम भी वो पास हो गया है ना अभी वो खुद समझेंगे दे आर ऑल रेडी अपने को सिर्फ दर्पण होके रहना है क्योंकि ये जो शक्ति जो है ना ये शांति की शक्ति का हो या खुशी की शक्ति का हो इतना पावरफुल है क्योंकि लोग सचमुच तिनके का सहारा ढूंढ रहे सचमुच देख रहे कि थोड़ा सा कोई खुशी के लोग है ना उन पर झपक पड़ेंगे वो लोग आपको थोड़ा खुशी में तो रहना है हमेशा खुश रहो इसीलिए सिर्फ आपको इतना ही आपको मधुमक्खी ही बनना है खिचड़े के कि कितना भी कूड़ा आपको तो सिर्फ पॉजिटिव देखते रहना है उसी को देखना है और कुछ बोले तो नहीं मेरे को देखने की जरूरत नहीं है मेरे को मक्खी का काम करना ही नहीं है लोग समझेंगे और जब वो समझेंगे बहुत इफेक्टिव होगा आप ट्राई करके देखना सो so, गोकुल भाई ये जो आपका पोस्टर uh, हीरो है उसके अंदर हीरो कौन पोस्टर कौन बाबा कौन मैं कौन या yeah, इसीलिए तो ये पोस्टर है ना ये फर्स्ट थिंग समझ मैंने पोस्टर इसलिए रखा कि ये अंदर जो आपने जो भी इमेज रखा हुआ है जैसे मैंने सेशन में बताया जो भी आपके अंदर काका चाचा मामा बेटा बच्चा पोत्रा ये पोस्टर्स रखा हुआ है आपके वॉल में है ना वॉल में यही तो रखते हैं ना ये मेरा हीरो है अर्नोल्ड श्वास निगर मेरा हीरो है ये एकदम जैसे कि मेरे को उसका जैसा बनना है मैं उसको ही देखता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ उसका जैसा एक्सरसाइज करना चाहता हूँ उसका पिक्चर देखता हूँ उसका ये क्यों क्योंकि वो आपको पकड़ के रखा है कि ये देखो मुझे अभी बाबा ने क्या कर दिया ये अभी हम बाहर का पोस्टर नहीं रखते अंदर पोस्टर रखते है मेरा बच्चा कब भी उनसे बैठो अपने पोत्रे पोत्री की बात ही करते उनसे बैठो बस मेरा पोता है मेरा पोते ये करते है, मेरा बच्चा ये करता है ये पोस्टर है अपना अंदर ये फर्स्ट होता है कि ये पोस्टर जब फट जाए ना तो अंदर से हीरो निकले पहला हीरो निकलेगा आप ये आप है हीरो और ये हीरो को प्रत्यक्ष कौन कर रहा है वो बहुत बड़ा हीरो है दुनिया वालों के लिए आप हीरो बनेंगे लेकिन आपका हीरो है बाप बाप तो अपना काम कर दिया है बाप बोला कि बच्चे में बच्चों का प्रत्यक्षता कर हूं वो तो कर रहा ही रहा है कितने बच्चे प्रत्यक्ष हुए हैं? आप समझते हो कि आपके बारे में लोग बहुत बुरा बोलते हैं ये करते हैं। नहीं ये गलत फहमी है आपका वो लोग आपके पीछे सचमुच अंदर से दे आर टच कि ऐसा कैसा हो गया क्योंकि एक टाइम तक आप हमजिन जैसे रहे माने इक्वल्स रहे अभी ऑल ऑफ आप, सरन आप वो लेवल पे गए तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन है कि जल से हो जाता है उनको ये होता है पचता नहीं ये ऐसा कैसा हो जाता है वो आपके बारे में बात कर रहे है माना देह उनका आपका पोस्टर उनके अंदर छप गया है आपके बारे में बात कर रहे वो हमारा सेल्फिश है वो अपना ही देखता है वो अभी हमारे से मिलता नहीं है वो एक उनका इतना टाइम आपके बारे में डिस्कस कर रहे माना उसका मतलब क्या हुआ आपका पोस्टर छप गया ना अंदर यही तो बात हुई ना अगर कोई किसी के बारे में डिस्कस कर रहा है उसका मतलब आपका पोस्टर छप गया है तो पोस्टर होता है हर एक इमेज जो अपना अंदर रख रहा है और हीरो सिर्फ दो ही हीरो है और दो हीरो एक हो आप दूसरा है बाबा ये टाइम टू टाइम वो रिवील होता रहता है लेकिन हीरो को देखने के लिए ऐसे पोस्टर्स बहुत फाड़ने पड़े तो बहुत सारे पोस्टर्स पड़े और सच्चा पोस्टर पोस्टर जब वो फटेगा तब निकलेगा हीरो गोकुल भाई आप कभी यू आर नेवर इनफ फॉर एवरीबडी सो काफी प्रश्न तो है लेकिन हमारे पास समय की सीमा है तो एक बहन का प्रश्न था कि आ, कि हमें हाँ कभी कभी हम अच्छा देख लेते हैं सुन लेते हैं लो, लोगों के लिए और जो बार बार बाबा भी कहता है कि सबकी विशेषताओं को देखो विशेषताओं को देखो लेकिन वो हर बार पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो हर बार हम किसी की पॉजिटिविटी ही देखे सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट इजी आपको प्लीज थोड़ा खुद को है ना थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दो प्लीज आप लोग यू आर इन द राइट पैथ ऐसा नहीं समझो कि मैंने बॉटल खोला एक मेडिसिन लिया अंदर डाल दिया बस हो गया अभी एकदम ज्ञानोदय हो हो गया मैं एकदम नहीं ये प्रोसेस प्रोसेस है और आप करेक्ट पे हो, विश्वास रखो टैबलेट ले रहे हो ना ठीक हो जाएगा मेरे को तो अभी भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है नहीं दिखेगा त्रेसठ जन्म हमें प्रैक्टिस कर लिया है सभी का मक्खी बनकर सिर्फ नेगेटिव ही देखूं और बाबा ने बाकी कोर्स लेके आपने कितना हुआ एक साल हुआ दो साल हुआ और मैं पॉजिटिव का भंडार बन जाऊं नहीं खुद को भी थोड़ा अपने आप पर भी थोड़ा पॉजिटिव वहां से शुरू करे नहीं ये प्रोसेस है आज मैं दस चीज नेगेटिव देख रहा हूं एक पॉजिटिव देखना चालू किया अहो सौभाग्य ये प्रोसेस चालू करते रहना है आपको और आपको फिर पता ही नहीं लगेगा कि कैसे आप जैसे कि नेगेटिव मात्रम अविद्या हो जाएगी आपको ये मैं कह रहा हूं मेरे को पहले पता भी नहीं था मैं अभी इंडिया में आया हूं यहां आके मेरे माँ से उनसे सब देखता हूं तो उन लोगों का बात करें तो मेरे को सचमुच अंदर से गृण आप लोग ऐसे से बात करते हो लेकिन मैं बोला नहीं है क्योंकि मैं समझता था अरे यही बातों में भी तो करता था मेरे को खुद पे वंडर हो गया मैं ऐसा कैसा परिवर्तन हो गया कि अभी मेरे को ये बात सुनने में पसंद नहीं आ रहा तो ये प्रोसेस है तो गिव टाइम गिव टाइम टाइम सम टाएं। समय को थोड़ा समय दो डोंट वरी क्या मैं अभी पॉजिटिव नहीं देख हर वक्त थोड़ी पॉजिटिव देख पा रहा हूं मैं तो थोड़ा कोशिश करता हूं फिर तो मेरे को नेगेटिव ठीक है प्रोसेस आपने एक बार एंटीबायोटिक कोर्स चालू कर दिया है तो एक गोली लिया दो गोली लिया कुछ ठीक तो नहीं होता है आप कोर्स बंद नहीं करना चाहिए एंटीबायोटिक खत्म करना है तो आपने अभी समझ रहे हो कि मेरे में पॉजिटिविटी नहीं है ठीक है ना अभी एक छह महीने के बाद फिर मेरे से बात करना एक साल के बाद फिर बात करेंगे फिर दो साल में तो आप दोलेंगे पता नहीं गोकुल भाई मैं पता नहीं इनसे रहना ही नहीं चाहता क्या क्या बोलते हैं मेरे को तो सुनना ही नहीं आप आप है आप खुद बोलेंगे आपका अमृत वेला आपका ट्रैफिक कंट्रोल आपका मुरली बस और कुछ नहीं खत्म एंड ऑफ स्टोरी ओके गोकुल भाई थैंक यू थैंक यू सो मच और जो भी लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उसमें से मैंने जो आपका सोफा सुना है वॉट माई टेक आउट फ्रॉम दिस इज दैट एग्जाम्पल ऑफ वो जो आपने वो खिलौने का एग्जाम्पल दिया ना इट्स नॉट अबाउट विनिंग वी आर नॉट हेयर टू विन वी आर हीयर टू इन्जॉय अवर लाइफ और कितने भी परिस्थिति थपेड़े मारे लोग कुछ भी कहे हम कितनी बार उठ खड़े होते हैं वो हमारा एंडोरेंस पावर दिखाता है सो दैट्स अ वेरी टचिंग टेकआउट फॉर मी और होप सभी को ऐसे ही सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं और बहुत सारे आपके लिए शुक्रिया आ रहे हैं और विशेष मुझे बताना था कि जैसे गोकुल भाई ने जो भी धारणाएं बताई हैं उस धारणा से जो बाबा कहते हैं कि हम सभी माला के मन के हैं तो नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारा जो सेशन है वो है माला के मन के क्योंकि आपके वो भी सवाल हैं कि वो माला कैसे बनती है बाबा के हिसाब से कैसे माला है हम सोचते हैं वो हमारी माला हम क्या माला में है कि नहीं तो इसके बारे में जो आपके प्रश्न है वो ट्यूसडे के सेशन में आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे अगेन ट्यूजडे का सेशन गुजराती का होता है लेकिन फिर भी हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल है और फिफ्टीन को हमारा मेडिटेशन कोर्स शुरू हो रहा है और कल शाम को गुजराती में पाँच बजे जो गुजराती के नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मुरली की एक्सप्लेनेशंस होती हैं तो अगर आपको किसी भी प्रकार के इन तीन में आपको फिट लगता है आपको लगता है कि आप बेनिफिट ले सकते हैं सो श्योर प्लीज़ अस हाँ गोकुल भाई का क्लास पोस्ट होगा उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी और गोकुल भाई को हम जरूर बुलाएंगे वापस क्योंकि आप हमेशा हाई डिमांड होते हैं गोकुल भाई सो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम फ्रॉम इंडिया वी बोथ आर इन गए फ्रीम टाइम्स यहाँ गोकुल भाई हाँ मैं पहुंच गई मैं आई जस्ट रीच या आई एम वॉन्ट

आवाज का हो या अंदर की आवाज का हो उससे एकदम जैसे कि नल अवस्था में पहुंच जाए अपने आप को जैसे कि लगे कि नहीं मैं इस दुनिया में अकेला हूं या अकेली हूं आज सिर्फ ये कहानी है मेरी और मेरा बाप बाबा की और कोई नहीं इस कहानी में आज मैं हर एक जो पोस्टर मेरे अंदर बना रखा है या डाल रखा है उसको निकाल रहा हूं बहुत सारे पोस्टर्स हैं अब जरूरत नहीं है मुझे इन पोस्टर्स की अब होगा सिर्फ एक पोस्टर वो है मेरा बाबा अति सूक्ष्म बिंदु स्नेह का सिंधु दिल से कहे बाबा आप कब तक छुपे रहेंगे नहीं अब तो आओ बाबा अब ये दुनिया का पोस्टर फट कर आपको प्रत्यक्ष होना है इसके लिए मैं तैयार हूं मैं आपका वो स्नेही यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक बच्चा हूं जो मेरे से मेरा बीस नाकून का जोर देकर भी वो पोस्टर फाड़ूंगा मैं और आपको प्रत्यक्ष करूंगा कितने साल खुद को छिपाया हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने कितने न मेरे दुखों को आप दूर किया कितने सारे ऐसी बातों में मैं फंस सकता था जो बिना मुझे बताए मुझे छुड़ाया भी नहीं था कि जीवन कहा किस रूप में किस मोड पे तूने बचाया हाँ आज शायद मुझे पता नहीं है कि इस वक्त तू क्या काम कर रहा है जो मुझे कौन सी परिस्थिति से बचाने के लिए कौन से ऐसे युक्ति रच रहा है वहां बैठकर मुझे एक बात निश्चय है बाबा कि आप सर्वशक्तिमान हो आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो जानते हो सब कुछ सब खेल जानते हो आप बाबा आज इस वक्त मैं अपने आप को तुझ पर बलि चढ़ाता हूं ले मेरा जीवन बता मुझे तेरी राख पता है ये इस राख में मेरे को गिरना है लेकिन फिर उठना भी है मुझे भले परिस्थिति कितना भी मुझे मारे मुझे उठ खड़े होना है मैं ना वार करूंगा ना किसी को दोष दूंगा मुझे सिर्फ उठ खड़े होना है मेरा ध्यान सिर्फ तुझ पर तेरा ही चित्र मेरे अंदर सब पोस्टर अब पढ़ेंगे और आप हो मेरे हीरो सिर्फ